हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं गाइस। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि बीच में ऐसा है कि वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया है, बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। शुरुआत में थोड़ा सा बीच में बहुत दूर से वीडियो बन रहा था तो नहीं दिख पाएगा, तो आप प्लीज़ गाइस लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा समझ। बीच में थोड़ा सा दिक्कत है जिसमें वीडियो में नहीं समझ में आएगी कटिंग आपको, हाँ समझ में आएगी लेकिन बहुत क्लियर नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आप वीडियो फिर सही हो जाएगा, मैंने कोशिश किया कि उसके बाद अच्छा वीडियो मिले बने, तो आप ज़रूर वीडियो फिर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा गाइस। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हमने कटिंग शीट लगाई है, सबसे पहले कटिंग शीट लगाई है, उसके बाद अच्छे से फॉर्म कर लिया था, उसके बाद फिर हमने पार्टिंग की है, ईयर टू ईयर पार्टिंग की है। पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करके फिर इसके बाद थोड़ा सा बाल लेकर क्राउन एरिया पे थोड़ा सा बाल लेकर उसको पिन कर लिया, पिनअप कर लिया। उसके बाद बाकी बाल जो बचे थे उस पर वाटर स्प्रे किया है, उसके बाद फिर से कॉम किया, फिर बीच से हमने बाल उठाया है और फिंगर को बीचों बीच में रख के बालों को तिरछा लेके एक बार नीचे फिर ऊपर फिर सबसे ऊपर ले जा के कट कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग किया है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं किया है। इसी तरह हमारी पूरी कटिंग होगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए, लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते आप लोग, प्लीज़ लाइक, हमको मालूम है आप लोग लाइक भूल जाते हैं करना, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते फिर ध्यान से भूल जाते हैं, इस वजह से भी ऐसा होता, कभी कभी मैं खुद वीडियो देखती तो भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ गाइस मत भूलिएगा। हमको तो वीडियो बनाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं सर, इसलिए बहुत ज़्यादा फिर भी हम वीडियो को, जो मुझे वीडियो पसंद आता है तो मैं कमेंट भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, मुझे सबका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मेरा सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, बट कोशिश तो मैं करती हूँ और कोशिश हमेशा करूँगी, क्योंकि ईश्वर ने भी कहा है कि जो मेहनत करते हैं वो कभी उनकी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मैं कैसे मानूं, तो मैं हमेशा प्रयास करती रहूँगी कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊं और कोई भी मेरा वीडियो देख के बोर ना हो, बल्कि अच्छे से देखे, एंजॉय के साथ देखे। और क्या कहूँ, बाकी वीडियो बाकी लोगों का बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं गाइस, बस यही है कि मेरी प्रॉब्लम मेन यही है कि वीडियो शूट करने की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि मैं, जैसे बाकी लोग वीडियो शूट करते हैं उनका एक अलग सा सेटअप होता है कि कैमरा है, लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है गाइस, और स्टैंड रहते हैं जिस पे आप कैमरा रहता है उसका शूट कर लो वीडियो बन जाता है, तो चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते, सोचते जो मेरे पास है ईश्वर ने जो दिया है उसमें ही हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, और जो जो भी मैं करती बस ईश्वर मेरा उस पर साथ दे, मैं आगे बढ़ूं, बस यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे जो भी मेरे पास इसमें बहुत मैं खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी से भी, ईश्वर ने इतना अच्छा जीवन दिया है, अरबों खरबों का तो हम लोग की शरीर बनाई है ईश्वर ने, जिसका यूज़ हमेशा हम लोग कर सकते हैं, बस हाँ ये भी ईश्वर ने कहा है कि आप दो हाथ दिए, आप दोनों हाथ से मेहनत इतना करना चाहो इतना करो, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, आपने कभी ध्यान दिया है गाइस कि एक जीभ भी दी है, एक सॉफ्ट सी, सब कान दो दिए, आंख दो दिए, हाथ दो दिए हैं, लेकिन एक जीभ ही ऐसी है जो एक ही है, एक है और बहुत सॉफ्ट भी है, और बहुत आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल नुकेले दांतों के, इतने पत्थर जैसे हम लोगों के दांत होते हैं उसके बीच में रहती है जीभ, वो भी शायद ईश्वर ने इसीलिए ऐसा बनाया है जिससे कि हम जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, नहीं तो हमारे दांतों से मेरी जीभ हम लोगों की कट जाएगी, शायद ऐसा लगता है, शायद इसलिए ही इतनी सॉफ्ट हम लोगों की जीभ है कि अगर हम लोग नहीं सोच समझ के बोलेंगे शायद ईश्वर
शायद हम लोग की जीप कट जाए या किसी को हम लोग गलत बोलें कुछ बोलें, इसीलिए शायद इतनी सॉफ्ट चीज़ कठोर चीज़ों के बीच में रखा है, जैसे दांत है मेरे बीच में हम लोगों की जीप है। तो आप प्लीज़ बोर मत होइएगा, बस थोड़ा सा हम बताना चाह रहे थे कि इंसानों कभी नहीं हार माननी चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और ईश्वर की दया से जो भी कुछ मुझे मिलता है बहुत खुश हैं। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में और भी एक लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शायद आप लोग भी नहीं जानते हो, कभी हो सकेगा तो मैं उनसे मिलाऊँगी। मधु यादव नाम है दीदी का, जो एक समाज सेवा करती हैं, जहाँ पे मुझे एक मौका मिला मुझे भी कुछ करने का, स्वराज विकलांग सेवा सम्मान 2019 जो मुझे मिला था उनके ही वजह से मिला था। तो मधु यादव दीदी हैं जो हमेशा जो विकलांग लोग होते हैं उनकी हमेशा मदद करती हैं, सामूहिक विवाह कराती हैं, और मैं भी इस लायक हूँ कि उस जो समूह होता है जो लोगों की मदद करता है उसमें मेरा भी नाम अब दर्ज हो गया है। तो मैं भी लोगों की जहाँ तक हो सकेगा मदद करूँगी। आर्थिक रूप से गाइस मैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ, जो है पार्लर ही है जो मेरा एकमात्र साधन है मेरे जीवन यापन करने का, मेरे फैमिली का। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो मैं कर सकती हूँ लोगों की हेल्प वो मैं ज़रूर करती हूँ और करूँगी भी। अगर आर्थिक रूप से कभी आप लोगों की आशीर्वाद से ईश्वर की दया से हो गए तो आर्थिक रूप से भी लोगों की मदद करूँगी। अभी तो मैं खुद ही संघर्ष के रास्ते में हूँ, संघर्ष कंटिन्यू डेली का संघर्ष करती रहती हूँ। और आप ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कमेंट में कि आप अगर मेरी जो भी मैं बात बोलती अगर आपको बुरा लग रहा होगा गाइस तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे अब अच्छा लगने लगा जब से मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ, लोगों की हेल्प करती मदद करती जिस लायक भी हूँ, और जितने शायद हम लोगों से बड़े बड़े लोग कनाडा से यूरोप से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सामूहिक विवाह में, लोगों को आशीर्वाद देते हैं जोड़ों लोगों को और मदद करते हैं, तो इससे हम लोग प्रेरणा मिलती है कि देश विदेश के लोग भी मदद करते हैं और जो इस लायक में वो भी मदद करते हैं, तो हम लोग भी तो कर सकते हैं हम जिस लायक भी हैं, और अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे बोरिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, तो मैं नहीं बोलूँगी और बस अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे जीवन तो बहुत टेंशन है लोगों के, लेकिन हाँ अगर आप किसी को अपनी बात शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप भी मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं इसलिए मैं बताती हूँ। और गाइस कटिंग एक कमेंट किया था कि आप फुल लेयर कटिंग की वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा वीडियो, और भी है तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यही होता है गाइस फ्रेंड की वीडियो नहीं बन पाता है अच्छे से, बनता भी है तो कहीं गलत हो जाता है, अगर हम अपलोड कर देंगे तो आप लोग कमेंट द्वारा वो भी बोलेंगे कि आपका वीडियो नहीं अच्छा है आप कैसे की हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कमेंट हो ऐसा आएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो इसलिए अगर वीडियो क्लियर नहीं आती तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ, बस यही चीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से जब बहुत अच्छा वीडियो क्लियर रहता तभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, नहीं तो नहीं करती, तब भी लगता है कभी कभी तो ऐसे भी कर देती हूँ कि सोचती कितना क्या करूँ, मेरे पास जो है उसी में ही मैं संतुष्ट रहना पसंद करती हूँ जो है अच्छा ही है। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो अभी रेंट पे ही है पार्लर और मेरे घर से दूर है पार्लर गाइस, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे तो खाने पीने का भी बहुत शौक है, मैं तो रेसिपी भी देखा हूँ कैसे मैं खाना पीना बनाती हूँ, मगर क्या करें घर दूर है और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है तो इस वजह से, और घर मेरा बहुत अच्छा नहीं है ना गाइस, तो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे तो घर कैसे घर का भी वीडियो बना रही, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ। तो सॉरी गाइस अगर आप कुछ बुरा लगा हो, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर आपको अच्छा लगता तो बताइएगा, बुरा लगता है तो बताइएगा ज़रूर, तभी तो मुझे पता चलेगा
और मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, हो सकेगा तो। मैंने एक मेकअप किया था पिंक ड्रेस पे, फ्रॉक पे, बेबी गर्ल का, तो वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और थोड़ा सा पार्टी पे भी मैं गई थी, बस हमने बताया था जिसका लिए मैंने मेकअप किया था, तो उनकी पार्टी में गए थे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो अगर आप कहेंगे तो उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी। उनके घर पे ही गाइस जो प्रोडक्ट था उसी से मैंने मेकअप किया था, हल्का सा उन्हीं प्रोडक्ट जो भी उनके पास था। कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँ किस किस प्रोडक्ट का मैंने यूज़ किया था और हेयर स्टाइल किया था, तो आप कमेंट करिएगा तो मैं वो मैरिज एनिवर्सरी की वीडियो फ्रेंड की अपलोड कर दूँगी, मगर कमेंट करिएगा। तो कटिंग ये है, मल्टी स्टेप कटिंग है गाइस, जैसे इनके पतले बाल थे तो इस वजह से मैंने कटिंग ऐसी कही। फिलहाल इनके बालों पे फॉर्मिंग लेयर कटिंग ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन उन्होंने कहा स्टेप कटिंग आप कट कर दीजिए, अगर मेरा हो, अगर मेरे ऊपर होता तो मैं इनको फॉर्मिंग लेयर कटिंग करती है। फॉर्मिंग लेयर कटिंग स्ट्रेट बालों पे ज़्यादा अच्छा लगा, जैसा कि आप इनका देख रहे हैं बहुत कर्ली बाल नहीं, स्ट्रेट बाल में ही आएगा। तो स्ट्रेट अगर ये कर्लिंग बाल होते तब स्टेप कटिंग थोड़ा सा बालों में बाउंस भी आता है, अच्छा लुक भी आता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है और स्टेप पता भी चलते हैं। और स्ट्रेट कटिंग में क्या होता है, मल्टी कटिंग अगर आप करते हैं, स्टेप कटिंग करते हैं गाइस, तो वो छुप जाता है, ज़्यादा देर नहीं अगर ड्रायर करेंगे वो करेंगे तो ही थोड़ा सा बाउंस आ जाता है बालों में, तो फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दिखता तो है ही कटिंग। बस ये है कि अगर स्ट्रेट कटिंग तो लेजर कटिंग अच्छी लगती है, बट अगर स्टेप कर्ली बाल हो तो स्टेप कटिंग का अच्छा ज़्यादा लुक मिलता है। वो तो कस्टमर हैं गाइस, कस्टमर ईश्वर की देन होती हैं, तो जैसा वो चाहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम हम करते हैं। जैसा उन्होंने कहा था कटिंग वैसा ही हमने किया और बहुत अच्छा लगा था उनको कटिंग। तो आप वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि आप कटिंग की और वीडियो अपलोड करिए, तो एक न्यू वीडियो भी हो गई है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछले प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर वीडियो को चेक कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो अगर आप जैसा वीडियो पार्लर रिलेटेड चीज़ें आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट करिएगा और मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। तो गाइस इसी तरह आप हेयर कट करेंगे, और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं आप ज़रूर एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग हेयर पे लेयर कटिंग के लिए एक सब्सक्राइबर ने कहा तो प्लीज आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें लेयर कटिंग की भी वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। ऐसे भी तो आप IPL देख रहे हैं कि नहीं इस समय, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है लेकिन देखते हैं क्या करें, आप लोग भी देखा करिए क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता ना, इसलिए नहीं देखते। क्या करें, कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम देखें। ऐसे भी आपको सुनाई दे रहा होगा TV में क्रिकेट ही लगा हुआ है, क्रिकेट ही देख रहे हैं लगा के, चलो वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। ऐसे टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक साथ इतना हो सके काम करना चाहिए। ऐसे भी गाइस अभी मेहनत कर लेंगे तभी तो आगे चलकर आराम मिलेगा, अगर अभी आराम कर लेंगे, आराम के बारे में सोचेंगे तो शायद आगे थोड़ा दिक्कतें सहना पड़े, तो इससे अच्छा है कि अभी मेहनत करते हैं हम लोग, आगे कुछ ना कुछ बन जाए, और ऐसे ही हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं कुछ करने के लिए लाइफ में, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
मैं तो यही सोचती हूँ गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि दुनिया के सारे बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत से सम्मान मिले, सारे बच्चे अपने माँ बाप को सम्मान, उनके माँ बाप को सम्मान मिले, प्यार मिले, आदर सम्मान करें, प्यार करें, क्योंकि माँ ही, माँ बाप ही ऐसे हैं जो शायद दोबारा नहीं मिलते। हर चीज़ हम लोगों को मिल सकती है लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते गाइस, तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के सारे माँ बाप खुश रहें, उनके बच्चे उन्हें प्यार करें, उनका सपोर्ट बने, उनको उनका ध्यान रखें। मेरी भी दादी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, कभी हो सकेगा तो ज़रूर हम मतलब मिलाएंगे आपको दादी से। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, हमको मालूम है आपको नए नए जो वीडियो आपको रहती होगी वही आप लोग देख लेते होंगे, चेक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। प्रयास ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स के नाम से है, और फेसबुक पे भी हैं हम प्रिया रावत के नाम पे, और इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटिव कोई कमेंट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि सभी रिस्पॉन्स मिले, मुझे अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़रूर। गर्मी तो गाइस बढ़ गई है, आप लोग गर्मी बढ़ गई काफ़ी, तो आप लोग ध्यान दें। गर्मी का टाइम है, हो सके तो पानी आने की व्यवस्था कर लीजिएगा, छत पे पानी नहीं रख दिए जिससे कि चिड़िया आए, जानवर आए, पानी पी लें, छत पर चिड़िया ही आके उड़ के उड़ती रहती वही पी पाएंगे, और ऐसे बाकी जानवर देखते हैं कि गाय वैसे घूमती रहती हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप लोग पानी पिला दिया करिए, ये भी बहुत उनका काम होता है। तो ज़्यादा बात करते हुए नहीं, अब हम अपना वीडियो कंप्लीट हो गया है।